जी हाँ, यह गर्म कुंड यमुनोत्री माता के पास है, जो कि यहाँ पर ये देख रहे हैं चावल पक जाता है, इतना गर्म है। -5 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ चावल उबलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। देख लीजिए यह चावल आपके सामने, ये डरे हैं चावल बिल्कुल पानी के अंदर। यह मंदिर है उबल की, यहाँ यमुना जी -5 डिग्री सेल्सियस से आते हुए, जो रात में तापमान हो जाता है, और बर्फीले पहाड़ों से आते हुए, बट वहीं यहाँ गर्म कुंड। यह एक आश्चर्यजनक बात है। मैं हूँ धर्मेंद्र राजपूत, जो आज आपको यमुनोत्री धाम की यात्रा पर लाया हूँ। जी माता, यमुनोत्री माता का मंदिर, जी यमुनोत्री माता, जो कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चार धाम में से आती है। यमुनोत्री माता का मंदिर, जी हाँ, वो अभी गर्म कुंड मैंने दिखाया, यह यमुनोत्री माता का मंदिर दिखा रहा हूँ। और ये देख रहे हैं वो जलधारा आ रही, वहाँ से यमुना जी का उद्गम हुआ है, उस आके वो सफ़ेद सफ़ेद ऊपर देख रहे हैं सबसे ऊंची चोटी पर, वहाँ बर्फीली पहाड़ी है, वहाँ बर्फीला -5 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ बर्फबारी हो रही है, कितना इधर गर्म कुंड। ये एक आश्चर्यजनक बात है जो कि आज हम आपको बता रहे हैं। मैं हूँ धर्मेंद्र राजपूत, आज आपको गंगोत्री पर एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, यह सुविधाजनक यात्रा के लिए हरिद्वार से ऋषिकेश आते हुए, यह आपको ऋषिकेश आते हुए, इसके बाद ऋषिकेश से या तो बालकोट के लिए या उत्तरकाशी के लिए आपको बस मिल जाएगी। उत्तरकाशी से आप या बालकोट से आप जानकी चट्टी तक आ सकते हैं। जानकी चट्टी से 3-5 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आपको आना है। आप देख रहे हैं इधर जलधारा पड़ गई है, जो यमुना जी हैं, ये है यमुना जी का मंदिर, यमुना जी का मंदिर, यमुनोत्री माता का मंदिर, तो ये है यमुना जी का उद्गम। मैं धर्मेंद्र राजपूत आज आपको यह वीडियो बना रहा हूँ। आपने वो देखा गर्म कुंड, यमुना जी के मंदिर, यमुनोत्री माता का दर्शन, और यह मऊ यमुनोत्री का उद्गम, वो सफ़ेद सीधार आ रही है ऊंची पहाड़ियों से, यहाँ यमुनोत्री का उद्गम स्थल है। मैं आपको इस वीडियो में यही 3 चीज़ें दिखाने वाला था जो आज मैं आपको दिखाना हूँ। अच्छा लगे तो वीडियो आगे शेयर करें, ठीक है, ओके, धर्मेंद्र राजपूत, बाय। अगली वीडियो के लिए फिर इंतजार करते हैं गंगोत्री के लिए, गंगोत्री को प्रस्थान करने के लिए। अगली वीडियो अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। अंदर माता का मंदिर है, वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, जिस कारण मैं आपको अंदर का नज़ारा नहीं दिखा सकता, ठीक है, ओके, बाय। अगले ये गर्म कुंड, अभी मैं आपको चावल के जी हाँ बिल्कुल चावल पक गए, चावल बिल्कुल पक गए, बिल्कुल अभी भी उबाल सकते, इतना गर्म पानी है, चावल डालने का कुछ ही समय में चावल पक जाते हैं। मैंने अभी आपको चावल पकाकर बताया है, जो चला है, नमस्कार, बाय, मैं रखता हूँ। शीतल धारा आ रही है, ये गर्म कुंड का पानी बाहर से आ रहा है, तो ये इधर स्नान करते हैं। स्नान करते हैं, यह गर्म कुंड है जो कि यहाँ स्नान करने के लिए आया जाता है। मैं हूँ गर्म कुंड, आज मेरे यहाँ स्नान कर रहा हूँ, ठीक है, पुल जो दिख रहा है इधर से जाना पड़ता है वापसी के लिए, ठीक है, तो ये यमुना जी का उद्गम है। मैं धर्मेंद्र राजपूत अगली वीडियो से मिलता हूँ यमुनोत्री की, गंगोत्री की, सॉरी, ठीक है सर, ओके, बाय, हमारे मन बहुत वीडियो, चलो सर, मैं बड़ी बात, चल सर, अभी कंगो, हाँ।